नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के खनिज संसाधनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में खास। तो भारत के खनिज के सर्वेक्षण के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि सर्वेक्षण में विकास के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, और भारतीय खान, जिसका मुख्यालय नागपुर में है, इसको जो भारत के खनिज संसाधन, इसको जिम्मेदारी दी गई है। तो जो लौह अयस्क है, इसके स्थान कहाँ कहाँ पर हैं और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बिंदु या फैक्ट हैं वो बताए जाएंगे। तो जो लौह अयस्क हैं, यह उड़ीसा के सुनई में और क्योंझर मयूरंज यहाँ पे है उड़ीसा में, और झारखंड में कहाँ कहाँ पे हैं, तो झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू एवं धनबाद, यह झारखंड में हैं। और छत्तीसगढ़ में कहाँ है, तो हैं बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर। और मध्य प्रदेश में है जबलपुर में है, कर्नाटक के भिवारी में है, चिमंगलूर में है, चीतल दुर्ग में है, और महाराष्ट्र में रत्नगिरी एवं चंदा, तमिलनाडु को समेल और तिरुचिरापल्ली में है, और गोवा में है। तो ये थे इन स्थान के कहाँ कहाँ पे इसके प्लांट हैं। और इसके जो विशेष फैक्ट हैं वो हैं, झारखंड एवं उड़ीसा के दो राज्यों का लगभग 75% लोहा प्राप्त किया जाता है, जो झारखंड एवं उड़ीसा है, इन दोनों राज्यों से देश का लगभग 75% लोहा प्राप्त किया जाता है। भारत लौह अयस्क का निर्यात जापान, चेक और ग्लेशिया, इटली, श्रीलंका आदि देशों को करता है। कुल सचिव भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है वो प्रथम स्थान है, लौह अयस्क में भारत का प्रथम स्थान है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या कि जो झारखंड है, झारखंड के ये जो प्लांट हैं इनसे, और जो है उड़ीसा के जो प्लांट हैं उन दोनों से, उड़ीसा उड़ीसा में ये हैं सुनई, क्योंझर, ये सब हैं, इन दोनों राज्यों से देश का 75% जो लौह का मतलब लोहा बनाया जाता है, इन दोनों राज्यों से 75% लोहा बनता है। और यह इटली या श्रीलंका और जापान, चेक, इन सब देशों को भारत लोहा निर्यात करता है। नेक्स्ट है मैगजीन। तो मैगजीन के कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं, तो जो मैगजीन के कारखाने वो हैं झारखंड, सिंहभूम, महाराष्ट्र का नागपुर और भंडारा, उड़ीसा का क्योंझर, सुंदरगढ़, आंध्र प्रदेश का काकुलमढ़ी, और कर्नाटक का सिमिलो एवं बिलारी, गुजरात का पंचमहल, राजस्थान का बांसवाड़ा, ये यहाँ पर मैगजीन के कारखाने हैं। और मैगजीन से इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं वो कौन से हैं, तो मैगजीन उत्पादन का भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, मतलब जो मैगजीन उत्पादक हैं वो भारत मैगजीन उत्पादन करता है वो विश्व में उसका तीसरा स्थान है। और उड़ीसा देश का सर्वाधिक मैगजीन उत्पादन वाला राज्य है, मतलब जो विश्व में वर्ल्ड में बात करें तो जो मैगजीन में भारत का उत्पादन का नंबर है वो तीसरा है, जबकि उड़ीसा जो है भारत में नंबर एक पर है, उड़ीसा में ये नंबर एक पर है, और यहाँ देश में सबसे ज़्यादा मैगजीन उत्पादन करने वाला राज्य है ये। नेक्स्ट है कोयला। कोयला जो है इसके जो उत्पादन केंद्र है वो कहाँ कहाँ है, तो झारखंड का है धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, आसानसोल, और छत्तीसगढ़ का रायगढ़, उड़ीसा का देसवाड़ तथा तलचर, असम का है माकुम, लखीमपुर, और महाराष्ट्र का है चांदा, आंध्र प्रदेश का है सिगरेनी, मेघालय और जम्मू कश्मीर तथा नागालैंड, इन जगह पर कोयला उत्पादन ये क्षेत्र हैं। और इससे जो इससे रिलेटेड बिंदु हैं वो क्या हैं, तो कोयले में जो है
भारत का स्थान है इसमें भी तीसरा ही है, भारत जो है तीसरे स्थान पर है और मैगजीन में भी तीसरे स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो कोयला में भारत तीसरे नंबर पर है और कोयले में क्रमशः जो तीन राज्य हैं वो हैं, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो है वो झारखंड में, सॉरी जो सर्वाधिक है वो झारखंड में, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा। एंथ्रेसाइट का जो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है यहाँ पर है। तो नंबर एक पर झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा सॉरी नंबर एक पर झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरे पर उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है तांबा। तांबा के जो प्लांट हैं वो कहाँ पे हैं? तो वो हैं झारखंड में हैं, झारखंड के सिंहभूम में, हजारीबाग, खेतड़ी, झुंझुन, भीलवाड़ा, अलवर एवं सिरोही। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, कर्नाटक के चीतल, दुर्ग, हसन, रायचूर। मध्य प्रदेश में बालाघाट, आंध्र प्रदेश गुड़वाल, इन जगह पर हैं। और यहाँ के जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो क्या हैं तांबा के? तो तांबा भारत के उत्पादन में प्रथम तीन राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो जो पहला है वो है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, और जो राजस्थान के जवाहर खान से जो जवाहर खान है सॉरी जो पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है झारखंड। राजस्थान के जवाहर खान से जस्ते के साथ तांबे का भी तांबे को भी निकाला जाता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट के जो प्लांट है कहाँ है? वो उड़ीसा में है, उड़ीसा, फिर झारखंड, झारखंड के कोरंडम, हजारीबाग, बिहार के गया एवं मुंगेर में, और महाराष्ट्र के नागपुर, भंडार तथा रत्नगिरी में, और राजस्थान में अजमेर, शाहजहाँपुर। आंध्र प्रदेश के जो आंध्र प्रदेश है इसके नेल्डोर में है। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या है? भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा, कुल उत्पादन का 50% अकेला उड़ीसा देता है, बाकी अन्य जो कारखाने हैं वहाँ से 50% सब मिला के बाकी उड़ीसा अकेले 50% उत्पादन करता है। नेक्स्ट है अभ्रक। अभ्रक में इसके अभ्रक के प्लांट कहाँ कहाँ पे हैं? तो ये आपके हैं झारखंड के पलूम में, और गुजरात के रविगढ़ में, मध्य प्रदेश के कटनी, बालाघाट के जबलपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, और राजस्थान में। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं, अभ्रक के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो विश्व में प्रथम है। अभ्रक का भारत में, भारत का स्थान जो है अभ्रक का वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान है, और राजस्थान में भारत का जो है 51% अकेला राजस्थान प्रोडक्शन देता है, बाकी सब मिला के 49% भारत में है। नेक्स्ट है ये सोना। गोल्ड का जो प्लांट है, गोल्ड कहाँ कहाँ से मिलता है? तो ये कर्नाटक के कर्नाटक के कोलहार तथा हट्टी, और इसका जो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर, बारवाल में, तमिलनाडु नीलगिरी एवं संभल सॉरी सलमल, और झारखंड के सिंहपुर, ये इसके जो जहाँ पे मिलता है यहाँ पर हैं। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो कौन से हैं? तो देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 98% भाग अकेला कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है, बाकी 2% अदर में। नेक्स्ट है जस्ता। तो जस्ता का उदयपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर का उत्पादन में द्वितीय स्थान है, और यह इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान में उत्पादन का प्रथम स्थान है। जवाहर खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम असम, डिगबोइज, सुरमा घाटी गुजरात में, और संभत गुजरात के संभत, अंकलेश्वर महाराष्ट्र के मुंबई हाई में, यहाँ पर इस पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है झारखंड के रांची, हजारीबाग, सिंहपुर, और इसका जो झारखंड में है वो यूरेनियम का प्रथम स्थान झारखंड है। नेक्स्ट है मैग्नाइट। जो मैग्नेटाइज है, मैग्नेटाइज का उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में जो मैग्नीशियम सॉरी मैग्नेटाइज है पाया जाता है, और इसका सर्वाधिक भंडार 68% अकेला उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है थोरियम। थोरियम राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा से प्राप्त होता है,
और यह विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश जो है विश्व में, भारत पहले नंबर पर है। अगला है चांदी। चांदी राजस्थान का जवाहर खान से प्राप्त होता है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग बेल्लारी से, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा गुट्टूर से, और झारखंड के संथाल परगना से और सिंहभूमि से। नेक्स्ट है क्रोमाइट। क्रोमाइट झारखंड एवं उड़ीसा से, इसके उत्पादन में भारत का जो है वो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन का राजस्थान और तमिलनाडु, कर्नाटक इन राज्यों में पाया जाता है, जिसमें से राजस्थान का जो है मुख्य भंडार देगाना है। देगाना राजस्थान में पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जो हीरा है। हीरा कहाँ से? हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना खान से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड हजारीबाग, झारखंड में हजारीबाग, और राजस्थान का चिलोरी में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लिगनाइट। लिगनाइट तमिलनाडु और राजस्थान से प्राप्त होता है, इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में ही है। तो दोस्तों आज के ये थे खनन और कुछ ये जो खनिज पदार्थ, जो खनिज पदार्थ थे जो कि भारत में इनका स्थान और कहां कहां से पाए जाते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।